हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैस इन हिंदी बिगनर सीरीज़ की तीसरी वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैस लाइब्रेरीज़ के बारे में। सैस लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। लाइब्रेरी से हमारा मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों का संग्रह होता है, यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा की गई होती हैं। जैसे हम बुक्स की बात करते हैं, हम सीडीज़ की बात करते हैं, हम म्यूज़िक की बात करते हैं, जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे हम चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं। उसी तरह से सैस लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे हम सैस के डेटा सेट्स, सैस के व्यूज़ और सैस के फॉर्मेट्स सेव करते हैं, उनको हम सैस लाइब्रेरीज कहते हैं। सैस लाइब्रेरीज दो तरह की होती हैं, टेम्प्रेरी लाइब्रेरी और परमानेंट लाइब्रेरी। टेम्प्रेरी लाइब्रेरी वो होती है, मान लीजिए हम सैस पे कोई काम कर रहे हैं, अपने डेटा सेट्स को, व्यूज़ को या फॉर्मेट्स को हम कोई लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में नहीं सेव कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा सेव होता है वो या कि हमारा टेम्प्रेरी लाइब्रेरी में सेव होता है। टेम्प्रेरी लाइब्रेरी में सेव करने का डिसएडवांटेज ये है कि जब जब तक हम हमारा सैस ओपन है, यानी कि हमने मैंने अभी सैस ओपन किया, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा डेटा सेव होते रहेगा वो सैस टेम्प्रेरी लाइब्रेरी में सेव होते रहेगा, अगर मैं कहीं और लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं देता हूँ तो। लेकिन जैसे ही मैं सैस को बंद करूँगा, वो पर्टिकुलर सेशन क्लोज करूँगा, तो जो भी मेरा काम किया गया डेटा होगा, व्यूज़ होंगे या फॉर्मेट्स होगा, वो सब उड़ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं सैस को ओपन करूँगा तो वो मेरे को नहीं मिलने वाला है। इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक परमानेंट सैस लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। परमानेंट सैस लाइब्रेरी क्या होती हैं, ये हमेशा के लिए हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी सैस को ओपन करेंगे तो आपको ये लाइब्रेरीज मिलेंगी, आपका डेटा आपको मिलेगा, आपका किया हुआ काम आपको मिलेगा। तो टेम्प्रेरी लाइब्रेरी में जो हमारा डेटा उड़ जाता है, उससे बचने के लिए हम परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, सैस का जो हमारा टॉप जो सब सैस का हमारा लेफ्ट विंडो होता है, यहाँ पे लाइब्रेरीज करके हमको एक जो आप फोल्डर देख रहे हैं दिया गया है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये छह हमको सैस की तरफ से लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं। इसमें से शुरू की पांच जो आप देख रहे हैं ये हमारी परमानेंट लाइब्रेरी हैं। जब भी हम इनको ओपन करेंगे इसके अंदर का डेटा, फॉर्मेट्स और व्यूज़ हमको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन जो भी हम काम करते हैं, जो भी अगर हम मान लीजिए हम भी कोई भी काम करते हैं और उसको इन पाँचों में से कोई लाइब्रेरी असाइन नहीं करते हैं, तो वो डेटा हमारा वर्क में चला जाएगा। जब भी हम सैस को बंद करेंगे वो डेटा हमारा उड़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको वर्क लाइब्रेरी फिर से ब्लैंक मिलेगी और आपको फिर से काम करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम परमानेंट लाइब्रेरी असाइन करते हैं। तो परमानेंट लाइब्रेरी जो हमारी होती है, या तो हम इन पांचों का यूज़ कर लें, या अगर हमको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो हम अपनी खुद की एक परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम एक कोड लिखें, कोड में लिख के दिखाता हूँ आपको, लिबनेम लिखने से हमको सैस को पता चल जाता है कि अभी एक नई लाइब्रेरी के बारे में मैं लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हमें अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है, लाइब्रेरी का नाम 8 लेटर्स का ही होना चाहिए, बेसिकली 8 बिट्स कहते हैं हम इनको सैस की लैंग्वेज में, 8 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर्स के अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता, इवन उसका यूज़ भी नहीं हो सकता, किसी नंबर से हम इसको शुरू नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको अल्फ़ाबेटिक शुरू करते हैं, अंडरस्कोर बीच में यूज़ कर सकते हैं और कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और किसी नंबर से इसको शुरू नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे लिबनेम है, बहुत सिंपल सा हम इसको रखते हैं, मैं इसको सतीश लिख देता हूँ, मेरे नाम पे एक लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद डबल कॉमा और फिर ये सेमी कॉलन। अब इस डबल कॉमा के बीच में मुझे बताना होगा कि कहाँ पे इस लाइब्रेरी का मुझे क्या रेफरेंस देना है, यानी कि जो भी मैं लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ उसका डेटा सेव होके कहाँ जाए ये मुझे बताना होगा। तो मैंने एक अपने कंप्यूटर के ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाया सतीश, इसके अंदर मैं जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ और इसका जो फोल्डर पाथ है ई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, ये अगर मैं ई करता हूँ तो ये मेरे बेसिकली कंप्यूटर के ई ड्राइव में रूट फोल्डर में चला जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को इस फोल्डर के अंदर डालता हूँ और अब मुझे एक प्रॉपर पाथ मिल जाएगा इस फोल्डर का, यानी कि ई सतीश। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको सैस के इन दोनों नोटेड कॉमास में पेस्ट कर देता हूँ।
और अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मेरा कोड सेलेक्ट हो गया, F3 करता हूँ। जैसे ही मैं F3 करूँगा मेरा एक सतीश नाम का यहाँ पे परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी मैं इसके अंदर कोई डेटा सेव करूँगा और जब भी मैं सैस को ओपन करूँगा और इस कोड को रन करूँगा तो ये लाइब्रेरी और इसके अंदर का सारा डेटा मुझे अवेलेबल मिलेगा। तो एक परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट करने का ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है, मैं लेफ्ट जो हमको ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं उससे न्यू पे क्लिक करता हूँ। लाइब्रेरी का नाम मुझे देना होगा सतीश 1 दे देता हूँ। न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकता बट न्यूमेरिक बाद में लिख सकता हूँ। पाथ मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, दिस पीसी सेकेंड ड्राइव सतीश, और ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे मुझे इनेबल इट स्टार्टअप लिखना होगा, इसका करने का एक बेनिफिट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सतीश और सतीश वंश नाम से मेरी एक लाइब्रेरी शुरू हो गई। अब ये करने का बेनिफिट क्या है, जब भी मैं सैस को बंद करूंगा तो मैंने ये जो सतीश एक परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट की है इस कोड को लिख के, ये हर बार मेरे को नहीं मिलेगा। मुझे इस कोड को फिर से सेलेक्ट करके रन करना होगा तो मुझे ये लाइब्रेरी अपनी अवेलेबल मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बट सतीश वन ये हर बार मुझे अवेलेबल मिलेगी। तो परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं और ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अब हम डेटा सेट को सेव करते हैं और लाइब्रेरी का रेफरेंस कैसे देते हैं ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे डेटा लिखना है डेटा 1, सेट मैं ले लेता हूँ, सेट मैप से ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कई हैं। ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया इसका जो नाम है, और सेट मुझे इस लाइब्रेरी का नाम याद रखना होगा विच इज़ मैप्स, यानी कि मैंने मैप्स लाइब्रेरी से डेटा उठाया। डॉट लिख के मैं इस लाइब्रेरी का नाम, सॉरी द लाइब्रेरी नेम वाज अफगानीज विच इज़ दिस, तो मैंने यहाँ पे अफगानीज ले लिया। हाँ, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये कोड अपना रन करता हूँ आप देखेंगे मेरा वर्क लाइब्रेरी में 1 नाम करके एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। F3 कर दिया, ये रन कर रहा है। ओके, बैक जाते हैं और यहाँ पे सतीश, सॉरी वर्क लाइब्रेरी मेरा एक डेटा सेट आ जाना चाहिए, बिल्कुल ये आ गया मेरा बन करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये भी आपको बता देता हूँ। ये मेरा डेटा सेट है, पहले से एक बार देख लेते हैं, बड़ा डेटा सेट है ये। ओके ठीक है, बैक करते हैं। क्यों ऐसा होगा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने 1 लिखा लेकिन इसको किसी लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं दिया। अगर मैं मुझे ये डेटा सेट किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में सेव करना है तो मुझे पहले उस लाइब्रेरी का रेफरेंस देना होगा, यानी कि सतीश 1 डॉट लिखना होगा, पहले लाइब्रेरी फिर डेटा सेट का नाम। अब अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो आप देखेंगे सतीश 1 में एक 1 करके डेटा सेट सेव हो जाएगा। सतीश 1 में जाते हैं, देखिए अभी मेरा डेटा सेट यहाँ सेव है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स सैस को मैं कितनी बार भी बंद कर लूँ, नेक्स्ट टाइम इसको मैं ओपन करूँगा तो मुझे डेटा सेट अवेलेबल मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा सेट को या जो भी हम काम करते हैं उसको बाद के लिए बचा के रख सकते हैं अगर हम किसी लाइब्रेरी का रेफरेंस देते हैं। अगर मैं इसको लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं दूंगा तो ये वर्क लाइब्रेरी का जो 1 आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं सैस को बंद करके ओपन करूंगा ये गायब हो जाएगा, तो सारा काम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक परमानेंट लाइब्रेरी बनाते हैं और इस तरह से डेटा को रेफरेंस देते हैं लाइब्रेरी का, ताकि वो बाद के लिए भी सेव रहे। लाइब्रेरी बनाने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा आज की वीडियो में था कि सैस लाइब्रेरीज के बारे में नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।